हेलो फ्रेंड्स, क्या आप ऐसा महसूस करते हैं कि आप नेगेटिव ज़्यादा रहते हैं, पॉजिटिव कम रहते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो खुशी है वो सिचुएशन पे, सराउंडिंग पे, आसपास के लोगों पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है? क्या आप ऐसा महसूस करते हैं कि आप कोशिश तो करते हैं कि आप खुश रहेंगे, अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिससे आप नेगेटिव हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं, और वो जो नेगेटिविटी है वो थोड़े समय तक रिटेन रहती है, लंबे समय तक रिटेन रहती है? अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो ये सेशन एक्सक्लूसिवली आपके लिए है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विवेक राठौर है, मैं ऑथर हूँ मेकिंग लाइफ मीनिंगफुल का और न्यूरो साइकोलॉजी एक्सपर्ट हूँ। आज का हमारा टॉपिक है अपने डे टू डे लाइफ में नेगेटिविटी को कंट्रोल कैसे करें, उसके ऊपर डोमिनेट कैसे करें, उसको अपनी लाइफ से रिमूव कैसे करें। सबसे पहले आप अपने नेगेटिविटी के लेवल को आप ऑब्ज़र्व करें। आप देखिए कि आपकी जो नेगेटिविटी है वो एक मिनिमम लेवल की है, एक एवरेज लेवल की है, या थोड़ी सी ज़्यादा है, मोर देन एवरेज है, आप ज़्यादा समय तक नेगेटिव थिंकिंग में रहते हैं। ये इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करना आपको रेडी करेगा कि आप जिस चीज़ पे डोमिनेट करना चाहते हैं, जिस इशू को फिक्स करना चाहते हैं, वो छोटा है या बड़ा है। ये आपके माइंड को क्लैरिटी देगा, ये आपके ब्रेन को प्रिपेयर करेगा कि हम लोग जिस इशू को फिक्स करने जा रहे हैं उसके लिए हमें कितने एनर्जी की ज़रूरत है, कितने इंटेंट की ज़रूरत है, कितने पावर की ज़रूरत है। सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। एक रिसर्च कहती है कि हम लोग को, अगर हम लोग अपने, हमारी जो पॉजिटिव थिंकिंग इज़ टू नेगेटिव थिंकिंग का जो रेशियो है, अगर वो 75:25 हो जाए, अगर हम लोग, हमारी जो थिंकिंग है, अगर 75% पॉजिटिव हो जाए और 25% नेगेटिव हो, अगर हम लोग इस पॉइंट तक पहुंच जाते हैं तो इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड पॉइंट। अगर आप इस पॉइंट तक पहुंच जाते हैं तो फिर आपकी पॉजिटिव थिंकिंग डोमिनेट करती है, आप एक पॉजिटिव थिंकर होते हैं। तो ये हम लोग का एक कॉमन गोल होता है, या एक कॉमन गोल होना चाहिए कि हमारा 3:1 का रेशियो, 75:25 का रेशियो, और हमारे माइंड में पॉजिटिव थिंकिंग डोमिनेट करे। अब मैं आपको 5 स्टेप्स शेयर करूँगा जिसको प्रैक्टिस करके आप अपनी नेगेटिविटी को, अपनी नेगेटिव थिंकिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, डोमिनेट कर सकते हैं और उसे रिमूव कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, अपने कनेक्शन, अपने सराउंडिंग को चेक करें और आप डिफ्रेंशिएट करें। एक पेपर पे लिखिए कि आपकी लाइफ में सोर्स ऑफ पॉजिटिव क्या है, आपकी लाइफ में सोर्स ऑफ नेगेटिव क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आइडेंटिफाई कीजिए कि आपकी लाइफ में डे टू डे बेसिस पे जो नेगेटिविटी आ रही है वो किन किन सोर्स से आती है, और आपकी लाइफ में सोर्स ऑफ पॉजिटिविटी किन किन सोर्स से आ सकती है। तो दिस इज द स्टेप नंबर 1। उसके बाद स्टेप नंबर 2, एक बार आप आइडेंटिफाई कर लें कि आपकी लाइफ में नेगेटिव सोर्स क्या है, फिर उससे दूरी बनाना शुरू करें। अपनी हैबिट बिल्ड करें कि जितने भी नेगेटिव सोर्स हैं, चाहे वो आपके अंदर की कोई नेगेटिव थिंकिंग है, चाहे वो आपके बाहर का कोई, आपका फ्रेंड है, आपका कोई नेबर है, आप न्यूज़ देखते हैं, वो क्या कनेक्शन है जिससे आपकी लाइफ में नेगेटिविटी आती है, तो जितने भी नेगेटिव सोर्स हैं उससे अपने आप को कट ऑफ कर लीजिए। स्टेप नंबर 3, पीपल रीडिंग स्किल को थोड़ा सीखिए, थोड़ा समझिए। आपके जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं, या आपकी लाइफ में अगर कोई भी नया पर्सन आता है, तो आप उनकी इंटेंट, उनकी एनर्जी को रीड करने की कोशिश कीजिए, और आप उनको डिफ्रेंशिएट कीजिए कि ये पॉजिटिव पर्सन है या नेगेटिव पर्सन है, ये आपको एम्पावर करने वाला है या डिसएम्पावर करने वाला है। अगर एम्पावर करने वाला है तो उसको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कीजिए, अगर वो डिसएम्पावरिंग है, अगर वो नेगेटिव है, तो वहाँ पर आप थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। सो दिस इज स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 4, अपनी हॉबी, अपने पैशन को आइडेंटिफाई कीजिए, उसके लिए टाइम निकालिए, उसके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। अपने हॉबी, अपने पैशन पे वर्क करना हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी को लाता है। अगर आपको गाना सुनना पसंद है, आप गाना सुनिए। अगर आपको गाना गाना पसंद है, डांस करना पसंद है, तो ये कीजिए। एक प्रिंसिपल है जो कहता है कि डू वॉट यू लव एंड लव वॉट यू डू। तो कई बार क्या होता है कि हमारा जो वर्क होता है, हमारी जो जॉब होती है, हमारा जो प्रोफेशन होता है, कई बार हमें वहाँ से पॉजिटिविटी नहीं मिलती है, कई बार हमें वहाँ से हैप्पीनेस नहीं मिलती है, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। तो उस केस में क्या करें कि ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि जो भी आपकी लाइफ में सोर्स ऑफ इनकम है, जो भी आपकी जॉब है, वो भी इम्पॉर्टेंट है, तो डू व्हाट यू लव
एंड लव वॉट यू डू. तो जो भी आप कर रहे हैं आपको उसको लव भी करना है, और जो चीज़ों से आपको खुशी मिलती है आपकी उससे इनकम होती है नहीं होती है उसकी आपको चिंता नहीं करनी है, आपको उसके लिए टाइम निकालना है. ये आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी को बढ़ाएगा. एंड नाउ स्टेप नंबर 5 जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, अपनी लाइफ में एक गोल बनाइए. ये कुछ भी हो सकता है, खुश होना गोल है, अपनी इनकम को बढ़ाना गोल है, अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना एक गोल है, दैट मे बी एनीथिंग. एक गोल बनाइए, उसको लिखिए, और उस गोल को अचीव करने के लिए जो भी सीखने की ज़रूरत है आप वो सीखिए. आप माइंडसेट की चीज़ सीखिए, आप ये जो भी साइंस होती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, NLP है, सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर है, क्रिएटिविटी के ऊपर है, किस तरीके से अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करें, किस तरीके से अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करें, आपका जो भी गोल है उसको पाने के लिए आपको जो भी सीखना है, चाहे वो माइंडसेट रिलेटेड चीज़ें हैं, चाहे वो कोई टेक्निकल चीज़ है, आप उसको सीखिए. क्योंकि ये हमारे ब्रेन की नीड होती है, हमारे ब्रेन को हमेशा कुछ न्यू थॉट चाहिए होता है, हमेशा कुछ नया चाहिए होता है, और बेस्ट वे है कि आप कुछ सीखिए. सो ये 4-5 पॉइंट्स हैं जो आपको प्रैक्टिस करना है. आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में शेयर कीजिए. आपके क्या क्वेश्चन है, आपका क्या पेन पॉइंट है, आप किस टॉपिक पे मेरा आंसर चाहते हैं, सॉल्यूशन चाहते हैं, आप कमेंट में लिखिए, मैं वो वीडियो बना के आपको शेयर करूँगा. आपने यहाँ तक देखा उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू. अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. बहुत बहुत थैंक यू.